एक प्लास्टिक से आगिन धरा था नहीं, किरासन तेल नहीं खे, ये मुसीबत के बात मम्मी भी देखिए किरासन तेल से, किरासन तेल नहीं है इसलिए प्लास्टिक से आगिन धराएगी, क्योंकि अभी चाय बनेगा, इसके बाद नाश्ता बनेगा। और चलिए आपको दिखा देते हैं काम कहाँ तक हुआ है। काम हुआ है अभी टाइबीम आज ढलाएगा, पटरी पूरा लगा दिया है, सेंटरिंग हो गया है इधर से। और हमारा घर एक नया मेहमान आया है, उसको भी अभी हम दिखाएंगे। देखिए पूरा सेंटरिंग हो गया है, यहाँ से देखिए पूरा सेंटरिंग हो गया है, और वहाँ भी हो गया है, वहाँ भी हो गया है, वहाँ भी हो गया है। और एक बात, हमारा जो एक खटाल था ना, जो खटाल आप देखते थे, उसको तोड़ दिया गया क्योंकि पटरी कम हो रहा था, तो उसको तोड़ के इस सब में लगा दिया गया है पटरी को। और देखिए यहाँ पे भैया मुंह धो रहे हैं, हमारा चापाकल भी टूट गया, देखिए अंदर से कैसा दिख रहा है, पूरा चापाकल टूट गया। और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा न्यू मेहमान, हमारे घर पे एक नया सामान आया है, चलिए इसको उठाते हैं। इसको खोलते हैं ऐसे, इस ईटा को इधर रखते हैं। ये देखिए हम एक नया पंप खरीद के लाए, जो कि क्रम्पटन कंपनी का है, और इसका प्राइस है लगभग 8,000। देखिए जो कि है मिनी जेट, इसको चापाकल को काट दिए हैं, और चापाकल को काट के यहाँ से इसका कनेक्शन किए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए अभी हम सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, मोटर है, पानी भर रहे हैं, और ये कैसा मोटर है जिसमें पानी भरो एक बाल्टीन तब निकलेगा लगभग 2 ड्रम पानी। तो इसको चलिए भरते हैं, और इधर आपको अपडेट दे दें कि कहाँ तक काम हुआ है। तो कल शाम तक टाइबीम ढरा गया हमारा, देखिए पूरा टाइबीम कम्प्लीट हो गया। इधर देखिए ये हो गया गली वाला, यहाँ से लंबा वाला जो है वो गली वाला, और इसके ऊपर आज होगा गथाई, इसके ऊपर ईटा का गथाई होगा, रूम का पार्टीशन होगा, गली का पार्टीशन होगा। और अभी तो ये ज़मीन लेवल में नहीं आया है, क्योंकि हम ऊंचा करके बना रहे हैं अपना घर, तो ताकि रोड बने तो मेरा घर नीचा ना जाए, तो ये भी ज़मीन लेवल जाएगा, इसके ऊपर ईटा का गथनी होगा। तो चलिए पानी भरते हैं, इस सब में पानी देना होगा, ड्रम भी भरना पड़ेगा। चलिए इसके ऊपर भरते हैं पानी, देखते हैं कितना लेता है ये, इसमें तो जितना भी भर दीजिए। भर गया ना? भर गया। इसको लगा देते हैं यहाँ ऐसे, बस अब इसमें ना, अब इसमें थोड़ा भर देते हैं मुंह में। ये हम नया मोटर खरीद के लाए थे, जो कि ये मिनी जेट पंप, भर गया। हम कनेक्शन देते हैं ना। इधर से 2 नंबर वाला, हाँ तो गाइस फाइनली थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो निकल चुका है। चलिए आप दोस्तों टाइबीम में पानी देते हैं। तो हमारा जो मेहनत है वो रंग लाया, पानी दे रहा है फिलहाल, अब इससे ड्राम भर लेते हैं, इस समय पानी दे लेते हैं, क्योंकि फिर मिस्त्री आएगा, हम मुंह भी नहीं धोए हैं, सुबह से परेशान है, और कल सोने में हाथ मेरा क्रैक कर गया, नस एकदम खड़ा हो गया, दर्द इतना दे रहा है ना कि बोलिए मत। तो चलिए इसको भर लेते हैं पहले। पहले ड्रम भर पे, तो दोस्तों अभी लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं, और मिस्त्री अभी खाना खा के चला गया है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और देखिए मेरे बाल का स्थिति, लगभग 2-3 दिन से बाल धोए नहीं है, तो कैसा हो गया, बिल्कुल जट्टा जट्टा, बिल्कुल टोपी वाला जो वो है ना, उसको घुसा के रखते हैं। और इधर देखिए क्या हो रहा है, खाना पीना हो रहा है खुला आसमान के नीचे, और
इधर हमारा पूरा सामान रखा हुआ है, इसको तो आपको दिखाइए। चलिए आज का काम आपको दिखाते हैं। देखिए टाइबीम का जो पटरी था वो खुल गया, पूरा ईंटा यहाँ पे घुस गया है। देखिए इतना ईंटा हो गया, इधर हो गया दोनों साइड दीवार, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, अभी बीच में फिर आएगा। चलिए आपको बता देते हैं क्या क्या हुआ है। ये हो गया हमारा रूम, ये हो गया हमारा गली, यहाँ से एक गेट रहेगा गली जाने का, और इधर रहेगा एक गेट रूम में जाने का। और चलिए दिखाते हैं, यहाँ सीधा गली हो गया, यहाँ चापाकल के साइड से रास्ता होगा पीछे जाने का, और यहाँ होगा हमारा किचन। अब कैसे कैसे बनेगा ये तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, बताएंगे जैसे जैसे होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा है। और आधा ईंटा घुसा के यहाँ पे रख दिया गया है, और देखिए हमारा घर यहाँ से कैसा दिख रहा है। मेरा बाल थोड़ा भालू जैसा दिखता होगा, लेकिन खैर कोई नहीं। इधर देखिए इस तरह यहाँ से दिख रहा है, मम्मी और भैया वहाँ पे खाना खा रहा है। काला काला किचन हमारा देखिए वहाँ से दिख रहा है, काला काला किचन खुला आसमान के एकदम नीचे आ गया है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस तरह है, और अभी फ़िलहाल इतना ही बन रहा है। पीछे से देखिए इधर कुछ इस तरह व्यू है। मोटर जो कि चालू हो गया था, पानी अच्छा खासा दिया, हमारा काम निपटा दिया, लगभग 2-3 ड्राम पानी भर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटर ठीक ही है। और मोटर का कनेक्शन हम यहाँ से कर दिए हैं, इस वाले बोर्ड से, इस वाले दीवार पे ये वाला बोर्ड पहले लगा हुआ था। और देखिए तो अभी हम जा रहे हैं चिमनी ईंटा लाने, जो कि चिमनी ईंटा होता है ना, आप तो जानते ही होंगे, ये वाला जो ईंटा है ना, ये वाला, ये सभी ईंटा लोकल है। तो ये वाला जो दीवार है ना, ये नीचे रह जाएगा, ज़मीन के नीचे रह जाएगा, इतना लेवल मिट्टी भरा जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि 5 इंच का दीवार देंगे दोनों साइड, तो उसके लिए चिमनी ईंटा लेना पड़ेगा। तो अभी हम और भैया चलेंगे चिमनी ईंटा लेने।